हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडक्शन को ज़्यादा समय तक चलाने के लिए कुछ टिप्स जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका इंडक्शन काफ़ी समय तक चलेगा। तो सबसे पहली टिप यही है कि जब भी आप इसे यूज़ करें तो आप इसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके नीचे यानी कि ये जो सरफेस है यहाँ पर बिल्कुल भी पानी ना हो, सरफेस एकदम सूखा होना चाहिए। क्योंकि जब भी अगर इंडक्शन के नीचे यानी कि इसके सरफेस पर अगर थोड़ा भी पानी होता है तो जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो इसका जो नीचे वाला फ़ैन है, इसका जो फ़ैन है वो यहाँ पर होता है, वो क्या करता है, वो नीचे वाले सरफेस के पानी को एब्जॉर्ब करता है यानी कि अपने अंदर ले लेता है। और जिसकी वजह से और जब अंदर ही अंदर तार भी हीट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही उनमें वो पानी जाता है तो वो उसे डैमेज कर देते हैं और हमारा इंडक्शन जल्दी ही ख़राब हो जाता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा इंडक्शन ख़राब क्यों हुआ है। और हम खामखा परेशान हो जाते हैं, हम फिर उसे बाहर शॉप पर लेकर के जाते हैं, मैकेनिक को दिखाते हैं, और एक बार अगर हम इंडक्शन को मैकेनिक को दिखा दें तो वो फिर और जल्दी ख़राब होने लगता है, तो उसमें बार बार रुपये लगाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर पर ही कुछ टिप्स का ध्यान रखें इसे यूज़ करते समय। ये देखिए, ये इसका यहाँ पर पूरा पैनल है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टैंडम का इंडक्शन यूज़ किया है। टैंडम भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें हमें 2 साल की वारंटी कार्ड फ्री मिलता है। तो 2 साल तक अगर आपके इंडक्शन को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसके सेंटर पर जा करके इसे रिप्लेस करके ला सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ऑन और ऑफ बटन है, यहाँ से हम इसे ऑन और ऑफ करते हैं। अगर हमको कोई भी चीज़ ज़्यादा डीप फ्राई करनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हमको कढ़ी वगैरह बनानी है तो हम कढ़ी के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हमें डोसा या फिर चपाती बनानी है तो उसके लिए हमें इस पैनल पर क्लिक करना है, इस फंक्शन पर। हीट मिल्क के लिए इस फंक्शन पर क्लिक करना है, इडली के लिए इस पर, प्रेशर कुकर के लिए इस पर, सॉल्ट के लिए इस पर। और अगर हम टाइम सेट कर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से टाइमर पर क्लिक करके और इसका टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आपके इंडक्शन में यहाँ पर कोई भी खराबी दिखा रहा है यानी कि अगर आपको यहाँ पर E0 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो भी बर्तन लिया है वो इसके सर्कल में फिट नहीं बैठ रहा है। आपको हमेशा से इसके ऊपर ऐसा बर्तन यूज़ करना है जो नीचे से फ्लैट हो, जिससे कि वो यहाँ पर इस सर्कल के अंदर आ जाए और आपका इंडक्शन अच्छे से उसके ऊपर वर्क कर सके। आप इस पे किसी भी तरह के बर्तन यूज़ कर सकते हो, स्टील के या फिर इंडक्शन वाले जो अलग से आते हैं, वो सारे क्या है कि उनमें पहले से ही इसी के अकॉर्डिंग सरफेस बना हुआ होता है, गोल सा सर्कल, जिसकी वजह से वो इंडक्शन पर काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। बाकी आप अगर स्टील का भी कोई भी बर्तन इसके ऊपर यूज़ करते हैं तो उसका भी सरफेस एकदम इक्वल होना चाहिए यानी कि प्लेन सरफेस होना चाहिए, तभी वो इस पर वर्क करेगा। अगर आपकी वोल्टेज ज़्यादा हाई है तो यहाँ पर E3 लिखा आएगा और E3 का मतलब है कि आपकी वोल्टेज ज़्यादा हाई है, उस टाइम पर आपके इंडक्शन वर्क नहीं करता है। तो आपको साथ में कुछ ना कुछ और हैवी लोड की चीज़ें चलानी होंगी जिससे कि आपके इंडक्शन को कम वोल्टेज मिले और वो अच्छे से वर्क कर पाए। आइए मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको इसे ऑन करके दिखा देती हूँ। तो हम इसे सबसे पहले एक स्विच से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे ऑन कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इसे ऑन कर रहे हैं तो देखो, इसे ऑन करते ही यहाँ पर एक साउंड स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये रेड सा हमको दिखाई देने लग गया नंबरिंग में। तो जैसे ही आपका इंडक्शन ऑन हो जाता है स्विच से तो यहाँ पर आपको ऐसे ही आवाज़ आती है और ये रेड कलर की लाइन्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब अगर हम इस पर कुछ भी बर्तन रखेंगे तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ से ऑन और ऑफ करना होगा। अब देखिए, जैसे कि अगर हम इस पर इस वाले कटोरी को रख रहे हैं तो हमको यहाँ पर कोई भी ऐसा बर्तन रखना है जो नीचे से एकदम फ्लैट हो। अगर वो नीचे से फ्लैट होगा तभी वो बर्तन इस पर यूजफुल होगा, नहीं तो नहीं। देखिए, अब जैसे हम इसे ऑन कर देते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ, अब देखिए इसमें साउंड आ रहा है, साउंड आने का मतलब है कि ये ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पर E0 लिखा आ रहा है, E0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी हमने पैनल के ऊपर कुछ भी नहीं रखा है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर कोई भी अपना बर्तन रख देते हैं जो कि इस सर्कल के अंदर आता है तो वो हीट होने लगता है। और उसके बाद अब देखिए, मैं आपको इसमें पानी डाल के दिखाती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से हीट हो रहा है, बहुत जल्दी टेम्परेचर पकड़ रहा है। अब देखिए, अब इस पैनल को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें अलग अलग कुक करने के ऑप्शंस हैं। देखिए, यहाँ पर ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं। तो अगर आप जैसे डीप फ्राई करते हैं, अगर हमको कोई भी चीज़ ज़्यादा फ्राई करनी है तो उसके लिए हम डीप फ्राई को क्लिक कर सकते हैं तो वो 160 टेम्परेचर दिखाता है। अगर हम करी पर क्लिक करते हैं तो वो 1000 दिखाता है। और अगर हमको डोसा चपाती वगैरह कुछ भी बनाना है तो हमको इसे क्लिक करना होगा, वो भी 1000 पर होता है। अगर हमको सिर्फ मिल्क को हीट करना है तो वो 60 टेम्परेचर पर होगा। देखो, ये ना तो यहाँ से बढ़ेगा ना ही यहाँ से घटेगा, अदरवाइज आप बाकी के और किसी को भी आप देखो यहाँ से बढ़ा भी हम जितना चाहें और यहाँ से इसे घटा भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ये ज़्यादा बढ़ा करके यूज़ नहीं करना है। हम कभी जब खाना जल्दी पकाने के चक्कर में इसके टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि जिसकी वजह से फिर हमारा इंडक्शन ज़्यादा हीट होता है और उसकी वजह से उसके तार
ज़्यादा जलने लगते हैं और वो ख़राब हो जाता है जल्दी। तो इसी वजह से हमको 800 to 1000 पर ही इसका टेम्परेचर रखना है लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं करना। अब देखिए, अगर आपको इडली सांभर बनाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, इसके लिए 1400 है। अगर आपको कुकर में कुछ भी बनाना है, प्रेशर कुकर के लिए, तो 700 है। सॉल्ट वगैरह कुछ भी बनानी है तो उसके लिए 1100 टेम्परेचर है। और हम यहाँ से इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं कितनी भी मिनट का, जैसे आप यहाँ से बढ़ा सकते हो कितनी भी मिनट। जैसे 5 मिनट के लिए हमने टाइमर को सेट कर दिया इतने टेम्परेचर पर, ये देखिए। जैसे अभी हमने इसे 4 मिनट के लिए किया है, अगर हमें टाइम कम करना है तो हम यहाँ से इसे घटा भी सकते हैं। तो देखिए, 1 मिनट हो गया, टाइमर हो गया सेट 1100 टेम्परेचर पर। देखिए 60 टेम्परेचर पर पानी कितने आराम से उबल रहा है। और जैसे ही अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर हम इसका टेम्परेचर कर देते हैं सॉल्ट के लिए, यानी कि 1100, तो आप देखिए पानी के उबलने की स्पीड काफ़ी तेज़ हो चुकी है। और अगर हम इसका टेम्परेचर कर देते हैं डोसा चपाती वाला, यानी कि 1000, तो फिर से इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। अगर हम इसका टेम्परेचर कर देते हैं इडली वाला, यानी कि 1400, तो आप देख सकते हैं पानी कितनी स्पीड से इसमें बॉइल हो रहा है। तो इसी तरह से हम इसका टेम्परेचर कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा पानी बॉइल हो चुका है, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब बंद करने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी वहीं के वहीं रुक गया है, यानी कि ना तो अब ये फैल रहा है ना ही कुछ। चलिए अब मैं आपको दूसरा बर्तन यहाँ पर दिखाती हूँ रख करके। तो हम सबसे पहले इसे ऑफ कर देते हैं और इसे हम यहाँ से अलग हटा लेंगे। आपका बर्तन रख रही हूँ जो कि नीचे से, ये था तो पहले एसी का इंडक्शन का, लेकिन अब ये नीचे से खराब हो चुका है। साथ ही ये देखिए, ये यहाँ से बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, यहाँ से ये अलग अलग ऊंचा नीचा से हो रहा है। तो अगर हम इसे इसके ऊपर रखते हैं और उसके बाद अगर हम इसे ऑन करते हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर E0 लिखा आ रहा है, क्योंकि जब तक हमारा बर्तन पीछे से एकदम फ्लैट नहीं होगा तब तक ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, आप चाहे किसी भी चीज के यहाँ पर बर्तन यूज करें, आपको हमेशा से बर्तन ऐसे यूज करें जो नीचे से फ्लैट हो, तभी वो इसके ऊपर चल सकते हैं। और दूसरी बात, जब हम इसे ऑफ कर देते हैं, तो ऑफ करने के बाद ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर ये इसके अंदर पंखा चलता रहता है, जिसे हम कूलिंग फैन बोलते हैं, वो इसके अंदर के तारों को अच्छी तरह से कूल करता रहता है। और जब तक वो तार अच्छे से कूल नहीं हो जाते, ये बंद नहीं होता है। तो जैसे ही वो बंद हो जाए, उसके बाद ही हमें उसे स्विच पर से बंद करना है। अगर आप पहले ही उसे स्विच पर से बंद कर देंगे तो इसके अंदर हीट रहेगी, जिसकी वजह से इसके तार अंदर ही अंदर गर्म होते रहेंगे और वो बेकार हो जाएंगे। तो इन सब का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हैं ये बंद हो चुका है, इसके अंदर का पंखा बंद हो चुका है, हीट आनी भी बंद हो गई है। तो अब हम इसे स्विच पर से बंद कर देंगे। स्विच पर से बंद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम उसे स्विच पर से बंद नहीं करते, उसमें रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी उसे मिलती रहती है, जिसकी वजह से तार अंदर ही अंदर हीट होते रहते हैं और फिर हमारा इंडक्शन जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इंडक्शन भी ज़्यादा टाइम तक चले, तो आप भी इसी तरह से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।